इस स्टेज पर वो होगा जिसकी आज आंखों में आंसू होंगे। यस, ये सफलता ऐसी नहीं मिलती। मेरी भी आंखों में आंसू होते थे जब मैं देखती थी कि यहाँ पर एक दिन मुझे भी आ रहा है। कितने लोग आना चाहते हैं? यस दोस्तों, ये सम्मान, ये शोहरत, ये इतना प्यार, ये ऐसे ही नहीं मिलता। कितनी कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है आपको, कितनी प्राथमिकता देनी पड़ती है इस बिजनेस को, ऐसे नहीं मिलता ये। जब आपकी आंखों में आंसू होंगे कि इस स्टेज पर ये माला, ये ट्रॉफी, ये मेरे लिए भी होगा, ये छत्र, ये रेड कारपेट मेरे लिए भी होगा, तभी आपको ये मिलेगा। यस, तभी मिलेगा। ये बिजनेस पेन मांगता है, पेन, और आपको ये पेन सहना पड़ेगा। यस, ये तभी मिलेगा दोस्तों। एक बात कहना चाहूंगी दोस्तों, कभी बुरा मत मानना ये सोचकर, कभी बुरा मत मानना ये सोचकर कि काम मेरा, नाम किसी और का हो रहा है। काम मेरा, नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि क्योंकि सदियों से रुई और घी जलता आया है और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। और अभी सागर सर ने बिल्कुल सही कहा था, कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होता, कुछ आप सफलता नहीं पा सकते जब तक आपके ऊपर ब्लेसिंग्स ना हो। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ऊपर वाले इतना, मैं बहुत ब्लेसिंग्स हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते हैं। आप पहले तो नहीं करते थे, आप करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि सोनम जायसवाल, यूथ आइकन ऑफ दिस इंडस्ट्री, हमारी कंपनी की यूथ आइकन, फर्स्ट फीमेल हाईएस्ट अर्नर सोनम जायसवाल, ये मेरी मेंटोर है। मैंने हमेशा इनकी मेंटोरशिप में रही हूँ। मैं मेरे 7 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, 7 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, और तब से मैं इसकी मेंटोरशिप में हूँ। मेरे सुपर सीनियर अखिलेश, इनकी मेंटोरशिप में हूँ। इन्होंने जो कह दिया वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। कभी ये नहीं पूछा ये क्यों, अगर ये कहेंगे कुएं में कूदना है तो आई एम रेडी, क्योंकि ये मेरे मेंटोर है, ये मेरे अपलाइन है। यस, इनकी ब्लेसिंग्स है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इनकी ब्लेसिंग्स। और मेरी प्यारी टीम, मेरे आगरा के अनबान शान जैना सर, मेरे एटा के हीरो अभय पाठक, और मेरी राजस्थान की टीम, दिलों पे राज करने वाले दिलराज, इन लोगों के मुझे इस रेड कार्पेट पे एंट्री करानी है। और यस, मैं तैयार हूँ फील्ड में अपने आप को झोंकने के लिए। रेजिडेंशियल प्रोग्राम, सेमिनार, ओपन मीटिंग, होम मीटिंग, सबके लिए तैयार हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी टीम से या रेड कारपेट पे अपनी टीम के लोग चाहिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? थैंक यू सो मच, मैंने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, थैंक यू। मैं प्रतीक, कुंवर प्रतीक सिंह, ये तो नहीं कहूँगा, और एक चीज़ आपको बताऊँगा, ये स्टोरी उस तरीके से नहीं जाएगी। वो रात में 11 बजे के बाद आती ना, पहले मैं ऐसा था फिर मैं ऐसा हो गया, बिल्कुल नहीं है वैसी। लोग अधिकतर कहते हैं लोगों को मिल जाती है सक्सेस, ऐसी मिल जाती है, वैसी मिल जाती है। अगर अपने बारे में बात करूँ, करीब करीब 8 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज और मेट्रो सिटीज़ में रह करके ह्यूमन रिसोर्स की प्रोफाइल में अच्छा खासा नाम था। और आज अगर बात करूं, ऐसा नहीं कि मैं जॉब से परेशान था या कुछ था, मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है मन लगा के किया है। ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, मैंने जब अपना एमबीए पास आउट करा था, मेरे पास ऐसी ऐसी डिग्रीज है ना, अगर कोई आईटी का बंदा यहाँ पे बैठा हो, कितने लोग हैं यहाँ पे आईटी से, 2 मिनट में खत्म करूंगा। एसएपी एचआरएम में सर्टिफिकेशंस, सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड, पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईआरपी सर्टिफिकेशंस, और उसके साथ में एमबीए की डिग्री। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जरिए मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी, बट समहाउ
फादर की कुछ कंडीशन ऐसी थी कि मुझे वो जॉब छोड़ करके वापस आना पड़ा, और जो मेरा सफर था डायरेक्ट सेलिंग का, मैं एक चीज कहूंगा कि लोगों की डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे होती है, कितने लोगों की शुरुआत ऐसे, लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ये नहीं थे, लेकिन मेरी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कहां से हुई? दीपा से। जब 2014 में नोएडा आया था तब शायद इनको जानता नहीं था, लेकिन कहते ना कि डेस्टिनी, जिस कंपनी में मैंने 15 दिन बाद ज्वाइन करा था उसमें 15 दिन पहले थे। पहला जब इन्होंने मुझे डायरेक्ट सेल के बारे में बताया था, हालांकि मैं जानता था, मुझे याद है इन्होंने अपने केविन ने मुझे बुलाया, भाई ऐसा ऐसा करके प्लान दिखाया, ऐसा ये ऐसा इसको जोड़ो उसको जोड़ो, मैं भाग गया था। कुछ 2 दिन तक फोन नहीं उठाया, संडे सेमिनार में आना। कौन सी सेमिनार? वही वाली जहां उल्लू बनाया जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। हाँ तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आज अगर यहाँ पे हम लोग हैं तो हम भी उसी प्रोसेस से ही होकर के आए जिस प्रोसेस से आप सभी लोग पीछे, जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं, हम लोग भी कभी वहीं पे बैठते थे। मुझे याद है हमारी सबसे पहली कंपनी जिसमें हम लोगों ने स्टेज पे बैठे हैं नीचे, और अपनी बात को एंड करते हुए बस दो चीजें कहूंगा, दो लोग इस जो इंटायर जर्नी है जिसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर रहा है, सबसे पहले तो मेरी बहन सोनम, नहीं एज फर्स्ट नहीं, ये मतलब ये छोटी सिस्टम है इसको मानता हूँ, और शुरुआत से लेकर के अब तक डायरेक्ट सेलिंग में करा है। और हमारे गुरुजी सर अखिलेश भैया, ये सम्मान है सर, ये मैं सबमिशन ही बोलूंगा इसको, जैसे सागर सर बोल रहे थे ना, सबमिशन में आवाज नहीं निकलती, बोल नहीं निकलते, बातें नहीं निकलती, ये वही है। तो सबमिशन में रहिए, और इस स्टेज के लिए आप सभी लोग हकदार हैं, बस केवल सबमिशन में रहिए, प्रोसेस को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। मेरी सफलता में सबसे बड़ा हाथ, अगर मैं 20% हूँ तो 80% इन्होंने साथ दिया। रात को है ना ऑफिस से आने के बाद में बाहर खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, राइट? तो ये सब पेन इन्होंने बहुत ज़्यादा लिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। शादी के बाद कितने सारे प्रोग्राम बहाने मेरी तरफ से बनाए इन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।